इन कटरों को देख रहे हैं आप? ये वो आम कटरे नहीं है जो आमतौर पर भैंसे और भैंसे के प्रजनन से पैदा किए जाते हैं, बल्कि ये तो झोटों के वो क्लोन हैं जिन्हें हिसार के वैज्ञानिकों ने अपनी तकनीक से पैदा किया। जी हाँ, ये कारनामा कर दिखाया है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने। चीन और थाईलैंड के बाद भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो इस तकनीक को अपनाकर सबसे ज्यादा कामयाब नतीजे दे पाया। इससे पहले देश में कभी भी किसी बड़े पशु का क्लोन तैयार नहीं किया गया। इन 8 कटरों में से 7 का जन्म दे तो अप्रैल में लॉकडाउन के दौरान हुआ था, लेकिन कोरोना की वजह से इन्हें सामने नहीं लाया गया। अब खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बात की पुष्टि की। आज ये हमें अनाउंस करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे संस्थान के लिए बहुत बड़ा दिन है कि माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो भारत सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने आज हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि को अनाउंस किया है, जिसके अंतर्गत हमारे 8 कटड़े जो क्लोन से तैयार किए गए हैं उनका जन्म आज हमें अनाउंस माननीय मंत्री जी ने अनाउंस किया है। परंतु इन कटड़ों का जन्म आज से 2-3 महीने पहले ये पैदा हो गए थे, तो कुछ समय लगा ये कोविड की वजह से, तो आज वो अनाउंस हुआ है। उसके लिए मैं इस पूरे डॉक्टर प्रेम सिंह यादव और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये जो हमारे संस्थान की उपलब्धि है, ये हमारे इस देश के लिए, इस पूरे विश्व के लिए मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि आज हमारे जो देश में जो सीमन का, भैंसों के सीमन के लिए उसकी बहुत कमी है। करीब करीब 1200 उत्तम नस्ल के सांड उपलब्ध हैं देश में, और करीब करीब 7 करोड़ टीके जो हैं ये हमारे पास उपलब्ध हैं। परंतु अगर हम देखें तो 2024-25 तक ही हमें 5600 इसके सांडों की ज़रूरत पड़ेगी, और 14-15 करोड़ के करीब हमें टीकों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए क्लोनिंग एक बहुत ही अच्छा माध्यम है कि ये जो बहुत कम समय में अच्छे उत्तम नस्ल के सांड तैयार किए जाए। मतलब अब बिना प्रजनन कराए भी आप अपनी भैंस या गाय को गर्भधारण करवा सकेंगे, क्योंकि इस तरह के टीके अब तैयार किए जाने लगे हैं। इन 8 में से 7 कटरे मुर्रा नस्ल के एक ही झोटा M29 के तथा एक कटरा 2015 में क्लोन से तैयार किए गए गौरव नामक झोटे के क्लोन है। ऐसा विश्व में पहली बार हुआ है जब एक झोटे के एक साथ 7 क्लोन कटरे और पहले से क्लोन किए गए एक झोटे से रीक्लोन करके एक कटरा तैयार किया गया। आम बोलचाल की भाषा में कहें तो ये सभी 8 कटरे मौजूदा झोटों की फोटोकॉपी है। फिलहाल इनकी उम्र 3 से 4 माह की होगी, लेकिन बड़े होने पर ये हूबहू एक जैसे नजर आएंगे और इनकी क्षमता व गुणवत्ता भी एक जैसी होगी। सबसे पहला क्लोन चाइना में पैदा हुआ था। आज इंडिया सबसे लीडिंग कंट्री है क्लोनिंग में। NDRI करनाल ने इसको 2009 में पहला बच्चा पैदा करके शुरुआत की थी, और हमने उसी टेक्निक को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर काम किया है। आज केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो है वो क्लोनिंग में लीड सेंटर है। वहाँ भी काफ़ी बच्चे हैं अभी जिनके सीमन प्रोड्यूस कर रहे हैं, बुल्स भी हैं और फीमेल्स भी हैं जो दूध भी दे रही हैं। यहाँ पर हमारे पास जो प्रोजेक्ट है अभी वो मेल पर है, इसलिए हमने 2015 में भी हमारा मेल आया था और 2017 में आसामी बफलों का क्लोन पैदा किया था। इस बार जो है इस नए प्रोजेक्ट में हमने 8 क्लोन पैदा किए हैं, और क्लोन पैदा होना जो पेट में जो बच्चा रहता है वो टाइम लगभग बराबर है, तो 11 महीने लगभग 305 दिन से 320 दिन के बीच में लगभग बच्चे पैदा होते हैं, तो एक साल तो लगभग उसी में लग जाती है। जो बच्चा हम लेबोरेटरी में तैयार करते हैं उसमें हमें 8 दिन लगते हैं। 8 दिन में हमारा बच्चा उस स्टेज पर आ जाता है कि जिसको हम वापस भैंस में प्रत्यारोपित कर सकते हैं। तो 8 दिन का बच्चा जो भ्रूण होता है उसको डालने के बाद फिर वो भैंस प्रेग्नेंट होती है, जैसे नॉर्मली प्रेग्नेंट होती हैं, और उसके बाद जो बच्चा वो बढ़ना शुरू होता है, तो ये एक साल का टाइम तो बच्चा पैदा होने की प्रक्रिया में लगता है। बाकी क्योंकि हमारी जो टीम, जैसे बताया निदेशक महोदय ने, बड़ी कुशल टीम है। आज की डेट में विश्व में इसके मुकाबले में भैंस की क्लोनिंग में कोई टीम नहीं है, तो हमारी टीम पूरी तरह ट्रेंड है, तो हमें उसमें बनाने शुरू करने में कोई समय नहीं लगा।
जैसे ही भैंसें आई उनकी डिजीज टेस्टिंग और जो रिक्वायरमेंट्स वो पूरी करके और हमारे पास पहले महीने में ही प्रेगनेंसी आनी शुरू होगी। सीआईआरबी के वैज्ञानिकों के इस टीम को केंद्र सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। देश के मुर्रा नस्ल व उसके जैसे अन्य उच्च नस्लों की भैंसें देने वाले सीआईआरबी संस्थान ने सबसे पहले 2015 में गौरव नामक कटरा क्लोन तकनीक से पैदा किया था। अब वो कटरा झोटा बन चुका है और उससे अब तक 10,000 सीमेन डोज तैयार की जा चुकी है। उसके सीमेन से दर्जनों स्वस्थ बच्चे पैदा हो चुके हैं जिन्होंने साबित कर दिया है कि क्लोन झोटों की प्रजनन क्षमता भी गैर क्लोन झोटों के बराबर है। क्लोन तकनीक को लेकर विश्व में लोगों के अपने अपने पक्ष हैं, लेकिन इस तरह की तकनीक का सही तरीके से इस्तेमाल हो तो ये फायदा देने वाली तकनीक कही जाएगी। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी।